He should know your views and also be sincere and respectful according to you. According to me, जो लोग ने गेम को टाइम दिए हैं, देखो टैलेंट के पैसे होते हैं, बट टैलेंट को जल्दी जल्दी पैसा मिलेगा ना, तो फिर वो हमेशा बहुत डिमांड करते रहेंगे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ने बहुत कम से शुरू किया, 5, 10, 15, 20, ऐसे कर करके हमारी सैलरीज बढ़ी है। और अभी कोई भी प्लेयर आ रहा है उसको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख डायरेक्ट चाहिए। हाँ नो डाउट अच्छा खेल रहे हैं, बट वैसा हो नहीं सकता है, वो गलत है। हम लोग को लोग देने में हिचकिचाते हैं, जो 6 6 साल के एक्सपीरियंस रखे हैं, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है गेम के लिए, इतनी मेहनत की है, इतना नॉलेज, उनको देने में हिचकिचाएंगे। बट जो नवे आए हैं, जो बहुत मार रहे हैं, उनको तुरंत दे देंगे, लो भाई तुम खेलो, तुम एमवीपी बन रहे हो, तुम खेलो। वो गलत है, क्योंकि एक एक स्टेप होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6, ऐसा होता है भाई। डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप 10 पे, वो गलत है। कॉर्पोरेट में भी एक्सपीरियंस बढ़ती है सैलरी फ्रेशर को, भाई तो हर पूरे वर्ल्ड में वैसे ही होता है ना भाई, हर जगह ऐसे ही होता है। पता नहीं हमारा इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ऐसा क्यों कर दिया। तुम सोचो ना, जो ओल्ड प्लेयर है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी वैसे तो, उन लोग की इतनी मेहनत, जो इतने टाइम उन्होंने गेम को दिया, सब वेस्ट है। फिर एक्सपीरियंस का फायदा क्या? फिर उसी के कारण, हाई सैलरी के कारण उनके अंदर ईगो आता है, उनके अंदर एटीट्यूड आता है। फिर वो जो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस या उनसे ज़्यादा एज में बड़े, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स भी ग्रो करेगा। सब ऐसे एक वे में होना चाहिए, आप समझ रहे हो। सैलरी इंक्रीमेंट की जगह प्लेयर्स को टूर्नामेंट जीतने पर सैलरी बोनस होना चाहिए, मतलब उस मंथ के लिए उनकी मेहनत के लिए उनको बोनस मिलना चाहिए। जैसे हम फेनेटिक में थे, तो फेनेटिक में हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतना सॉर्टेड था, वैसा था कि भाई अगर तुम जीतोगे तो तुम्हारी तुम्हें बोनस में इतना रुपया मिलेगा, तुम थर्ड आओगे तुम्हें बोनस में इतना मिलेगा, तुम फिफ्थ आओगे तुम्हें बोनस में इतना मिलेगा। ना कि ये अब ओनर्स क्या बोलते हैं, तुम जीतो हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। तो तुम उनको बोनस कैप रखो, तुम टॉप 3 फिनिश करोगे तुम्हें इतना मिलेगा, तुम टॉप 5 फिनिश करोगे तुम्हें इतना मिलेगा, तुम टॉप 10 फिनिश करोगे तुम्हें इतना मिलेगा। अगर तुम गंदा खेलोगे तो उतनी घटेगी या उतना नहीं, उसका बोनस नहीं मिलेगा, तुम क्वालिफाई करोगे वैसा, मतलब एक तरीका होना चाहिए यार। और वो तरीका है ही नहीं आई थिंक स्पोर्ट्स में, इंडिया में तो नहीं है।